क्या पता था कि जिंदगी एक दिन वही देगी मुझे जो मैंने उससे कभी मांगा ही नहीं था। विक्रम का एक्सीडेंट और ये पार्टी एक ही दिन हुई थी, कुछ और मिला? नहीं सर। साहब, सर एक बात समझ में नहीं आई, राधिका इस तरह अचानक चली क्यों गई? वो विक्रम से प्यार करती थी और शायद उससे ये देखा नहीं गया कि कोई और भी उससे है। तो आपका मतलब सारा विक्रम से, और ये बात जिमी भी जान गया था इसलिए आप जिमी के घर तलाशी करने आए हैं? सर, जिमी का मोबाइल उसके वाईफाई से कनेक्ट हो गया है, इसका मतलब वो यहीं कहीं है। वॉचमैन ने तुम्हें देख लिया था, भागो मत। विक्रम का एक्सीडेंट तुम्हीं ने करवाया था ना, हमारे पास और कोई रास्ता बचा नहीं है जिमी, मेरे साथ चलो। Don't move. खेल तो अभी बाकी है। मुझे आपके साथ नहीं खेलना, आप हमेशा चीटिंग करते हैं। चीटिंग? मैं? Well, चीटिंग नहीं करूंगा तो जीतूंगा कैसे? तुम इतना अच्छा खेलती हो, हाँ? मुझे अरे, नहीं खेलना है। अरे नंदनी, नंदनी। उफ यू माँ, इतना गुस्सा? क्या हुआ? भैया ने मुझे हरा के चीटिंग की। भैया ने चीटिंग की? हाँ। ओहो, ठीक है, आप मुझसे खेलो। आप तो उससे भी बड़े चीटर हो, मुझे किसी के साथ भी नहीं खेलना। नंदिनी, 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 जरा तुम पे गई बिल्कुल। On me? You're blaming me now, huh? Your car's back. Drink. I don't mind.
तुम्हें बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजना चाहिए था मुझे। तुम्हारी माँ के जाने के बाद बाप होने की जिम्मेदारी नहीं निभाई मैंने, तुम पे ध्यान नहीं दिया, शायद इसीलिए आज तक नाराज हो मुझसे। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, होना भी चाहिए। नहीं डैड, मां का नाम नंदिनी को देख आपने मेरे लिए मां को जिंदा रखा, थैंक्स। Just remember one thing, beta. I love you. I love you too, Dad. Cheers. पंडित, जब एक गोली बंदूक से फायर होती है ना तो उसका एक ही मकसद होता है, सीधे जाके निशाने पे लगे। फिर भी एक सुराग छुप जाती है जिससे यह पता चलता है कि वो कहां से आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो पंडित। बाबा आप शर्माते भी हैं। हॉस्पिटल में सुंदर नर्सेज नहलाती थी, कोई 80 साल का बुढ़ा नहीं। आप भी ना बाबा। Kamlesh, I hope there's nothing to worry about. Not really, Pratap. But Vikram ke accident ke baad, he needs constant care. Lekin aaj jo hua na, that could have been fatal. You need to be a lot more careful. There's nothing to worry about. Anyways, I got some good news for you. US se Vikram ki reports aa gayi hain. Chances are ki wo 100% theek ho jayega. Agle hafte maine doctors ko bhi bula liya. Par abhi tak maine usse bataya nahi. Let's hope. That's great news, Kamlesh. कम विक्रम, तुम्हारे मेरे बीच जो डिफरेंसेस हैं उससे मैं नहीं चाहती किसी को चोट पहुंचे। अपना ख्याल रखना। सबको फिलहाल इतना ही बता सकता हूं कि सच और जिमी ब्रिगेंजा बहुत जल्द आप सबके सामने होंगे। सर, तो आपकी टीम ने उसे पकड़ने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई है? जिमी ब्रिगेंजा सारा मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट है। ही इज आर्म्ड, ही इज डेंजरस एंड ही इज ऑन द रन, सो प्लीज बी केयरफुल। और अगर वो किसी को भी नजर आता है डायल 100। I promise कि मैं ठीक हूँ। क्यों मोटे? बहुत खा रहे आजकल? अरे पांडे जी उपवास है। इंस्पेक्टर रॉय, ये तो उपवास। आइए आइए सर, आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी दोरिया, दोनों को तकलीफ दी। क्या हुआ मिस्टर रॉय? आप कुछ बताने वाले थे, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया?
सारा की फोरेंसिक रिपोर्ट्स आ गई हैं। जो गोली उसकी बॉडी से बरामद हुई थी वो उसकी बॉडी के पास पड़ी हुई गन से मैच नहीं हो रही, और जिस तरह से सारा को गोली लगी है उससे ये साबित होता है कि सारा ने अपने आप को नहीं बल्कि किसी और ने सारा को मारा है, और ये दिखाने की कोशिश की है कि उसने खुदकुशी की। कितनी मेहनत करते हैं आप लोग, अगर अफसोस आदमी के जाने के बाद। इस सबसे हमारा क्या लेना देना है? मजाक अच्छा कर लेते, मगर जो गन हमें मिली है That's not the murder weapon. Murder weapon? ये क्या कह रहे विक्रम? ये नाटक बंद करो सारा। Don't be so freaking desperate. Desperate मैं नहीं विक्रम। Desperate तुम लग रहे थे। तुम्हारी उस इंटर्न के साथ। जो गोली सारा की बॉडी से बरामद हुई थी वो आपकी रजिस्टर्ड गन से फायर की गई थी। मेरी गन से? मेरी गन सारा के पास? हाँ हो, हाउ इज दैट पॉसिबल? ये तो विक्रम ही बता सकता है। सारा, तुम्हारे और मेरे बीच में जो हुआ वो अफ्रीकन मिस्टेक, और तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हारी उस जिमी के साथ शादी होने वाली थी। यू वर एंगेज्ड द नाइट वी स्लेप्ट टुगेदर। उस रात के बाद जिमी मुझे थ्रेट कर रहा है। ही इज थ्रेटनिंग मी। I don't need this in my life, Sara. Understand? Please, chali ja. It's not what you think. Was it? Was it a one-night stand for you? Or is it because of that Radhika? क्यों विक्रम? उसी गन से सारा की मौत कैसे हुई? That's it. किसके कहने पर गोली चली? मुझे कैसे पता होगा? आप इन सब में विक्रम को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? उसी पार्टी वाले दिन विक्रम का एक्सीडेंट होना, उसी रात सारा का मरना और जिमी का गायब होना, ये सब एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता? आपको पता है आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आप अपना काम करते तो आपको पता चलता हमारे घर में चोरी हुई और बाकी चीजों के साथ साथ मैंने अपनी गन भी स्टोलन रिपोर्ट की थी, और वो रिपोर्ट आपके घर भिजवा दी गई। मिली नहीं? क्या कर रही हो तुम? Have you lost it? Serial numbers MMW1991 से MMW2014 तक आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। 18 बुलेट्स अभी आपके पास हैं, 4 आपने फायर कर दी। Yes. उनके एम्प्टी शेल्स जो आपने डिपार्टमेंट को हैंडओवर किए थे। Exactly. लेकिन आपकी गन अब भी मिसिंग है, एंड देयर इज वन डेड गर्ल। Gun was reported stolen. पुलिस ने मेरे घर की तलाशी भी ली है, एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन कम एंड चेक अगेन। एक लड़की की जान चली गई, यू आर गोइंग ऑन हार्पिंग अबाउट द गन। उस गन में अभी एक गोली बाकी है। There is still one bullet left in that gun. और मुझे शक है कि उस पे किसी का नाम लिखा है। आर यू अंडर अरेस्ट मिस्टर रॉय? अभी तक तो नहीं। मेरे लॉयर्स आपसे बात करेंगे।
सारा मर्डर केस बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। जिमी पकड़ा गया है। पुलिस वालों को आदत होती है, हर किसी को शक की नजरों से ही देखते हैं। यू डोंट वरी। डैड, सारा ने रुकन मेरे हाथों से ली थी। डोंट वरी प्रताप, पुलिस को अब तक वो गन नहीं मिली है। आई विल हैंडल इट फ्रॉम हियर। थैंक यू मिस्टर बंसल। जाओ यहां से। जी मैडम। रामिला, ओ वो खाना तैयार है, आप भी खाइए ना। यस स्टे। थैंक यू बट मुझे निकलना होगा। प्रताप, आई विल हैंडल इट। यस थैंक यू। नो प्रॉब्लम। आई सी यू कमिंग। बाबा, नहीं आने वाले थे तो फोन कर देते। मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना ऑर्डर कर दिया था। रेस्टोरेंट में तुम्हारा वेट करती रही मगर तुम आए नहीं। कब तक वेट करूंगी? क्या क्या कहा? मेरे ठीक होने का कब तक वेट करोगी? 6 महीने, 1 साल, उसके बाद क्या? राधिका, लगता है तुम आज झगड़ा करने के मूड में हो। मैं कल आती हूँ। मैं जा रही हूँ। हाँ, वापस मत आना। क्या हुआ विक्रम, तुम फिर मजाक कर रहे हो? मजाक तो मैं बनकर रह गया हूँ, इतना बड़ा मजाक कि अपने आप से दम घुटने लगा है। यही पैर, यही व्हीलचेयर। विक्रम, तुम बस वो देख रहे हो जो तुम्हें देखना है। जिंदगी तुम्हें क्या दिखाना चाहती है वो देखो। और तुम क्या दिखाना चाहती हो? कि तुम मुझसे प्यार करती हो? एक अपाहिज को लोग सिर्फ हमदर्दी दिखाते हैं राधिका। Not love. क्या कहा तुमने? What do you think I am, goddammit? हर दिन अपने आंसू पी के तुम्हारे सामने खड़ी रहती हूँ ताकि तुम्हें खुश देख सकूं। कुछ भी अपनी फीलिंग्स है विक्रम, दर्द होता है। अगर इतना ही बुरा लगता है तो चली जाओ यहां से। मैं छोटी उम्मीदों में जीना नहीं चाहता। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी है विक्रम, लेकिन तुम इस उम्मीद में जीना नहीं चाहते क्योंकि तुमने हार मान ली है। और मैं नहीं देख सकती।
सर, पिछले दो महीने की बोट की लिस्ट है सर, जो मुंबई से मांडवा आती है, जिसमें एक बोट विक्रम कपूर का है सर, जो रोज ऊपर नीचे करता है। ये बड़े लोग हैं पांडे, मुंबई में कमाते हैं और मांडवा में उड़ाते हैं। लेकिन सर, पुलिस स्टेशन में विक्रम कपूर को आपने बोला था कि जिमी पकड़ा गया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। कई बार झूठ से ही सच निकलता है पांडे। बोट तैयार है? जी सर। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। आज की बड़ी खबर, सारा ब्रिगेंजा मर्डर केस के जांच अधिकारी रॉय ने यह बयान दिया है कि अब तक ये मर्डर केस बंद नहीं हुआ है, क्योंकि सारा की मौत के पीछे जिम्मेदार शख्स को अब तक पकड़ा नहीं जा सका है। तुमसे फिर से कह रहा हूं, तुम मेरी बात मान लो वरना लीव। रोमिला से मिलने कौन आया था? पता नहीं सर। ये 1:30 to 3 का फुटेज गायब क्यों है? सर, लगता है पावर डाउन हो गया होगा। पावर डाउन? जनरेटर ऑन करवाओ, सारे मशीन्स को पावर पे बैकअप करके रखो, समझे? यस सर। बंसल, एक मिनट। श्योर। हाँ शर्मा जी, आप गए और हम ना माने, घर में शादी ऑफ कोर्स, बट आई विल ट्राई। थैंक यू। ये सारा मर्डर केस में विक्रम का इन्वॉल्वमेंट होना ठीक नहीं है। वैसे क्या तुम उन दोनों के अफेयर के बारे में जानते थे? बी केयरफुल। हाँ। बोलो। डैड, मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। सारा ने जब जिमी से सगाई तोड़ दी, जिमी ने विक्रम को जिम्मेदार ठहराया सारा की मौत के पीछे। जिमी? मगर वो पकड़ा नहीं गया है प्रताप। मुझे विक्रम से बात करनी है। अभी नहीं प्रताप, फिलहाल तुम कुछ मत करो, विक्रम से बात मैं करूंगा। आराम से। प्रताप, मेरा हाथ बहुत बुरी तरह से कटा है, I'm going to the hospital, come fast। I'll just clear the bill. प्रताप, आजकल विक्रम के सही सलामत घर वापस लौटने पर। नारंग, प्लीज।
ऐसे एक्सीडेंट के बाद भी बच गया। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने तुम्हें कल रात कहा था कि मैं सही मौका देके फिर मिलूंगी। कल रात विक्रम ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया था। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया, तो पता नहीं क्या। बंद करो ये खेल रमला, मैं पागल हो रहा हूं, पागल। मैं कोई काम कर सकता हूं ना, अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पे ला सकता हूं। तुमसे मिलने को, तुम्हारी एक झलक देखने के लिए मैं भटकता रहता हूं रमला। Stop it! Have you lost it, Narang? ये कमरा हो गया। और हाँ, उस वीडियो की सिर्फ एक ही कॉपी नहीं थी मेरे पास। पैसे चाहिए ना? ये लो। You were finished long ago, Narang. लेकिन विक्रम के बारे में अगर प्रताप को पता चला ना, तो बहुत बुरा होगा। रामला, न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि अब तुम ये हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल छोड़ नहीं सकती। डन? चले। घर को ऑफिस बना दिया है। सॉरी तुमसे कल मिल नहीं पाया बेटा, रोमिला का हाथ कट गया था ना, हॉस्पिटल भागना पड़ा। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा। हम शर्मा जी की बेटी की शादी के लिए जा रहे हैं, कल बारात निकलते ही वापस आ जाएंगे। ओके, फिर बात करते हैं। डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ विक्रम। राधिका को फोन कर लो, कम ऑन। Thank you.
काका तेरी इस घटिया हरकत से तू मुझे मार देगा, तू मेरे शोज बंद करवा देगा। तेरे शोज ये सब कुछ मेरा बनाया हुआ है विक्रम, ये क्लाइंट्स और सारा, तूने सारा को भी खरीद लिया। गलती खरीदने वाले की नहीं, बिकने वाले की होती है ना। ले जाओ सर। ए कुत्ते! मैं तुझे खत्म कर दूंगा। I will finish you. या मी नो नारंग, यू कैन फिनिश मी, यू नो व्हाई? बिकॉज यू आर फिनिश्ड। अरे इधर आ साले, विक्रम, और चल मुझे। Are you okay? Yeah.
कुत्ते, खत्म कर दूंगा तुझे साले। Do you want to have a drink? मैं नहीं छोडूंगा तुझे, छोडूंगा नहीं राम साले। Yeah, sure. चले। ओके नारंग, यही देखना चाहती थी ना तुम। या प्रताप। Hi Romzi, everything okay? Yes Pratap, everything's under control. Vikram ठीक? Yes he's all right, don't worry. Okay. नारंग, हमारा अच्छा वक्त उन दोनों बाप बेटों का बुरा वक्त जरूर लेके आएगा। Thank you.
burn in hell!
जिमी। क्या किया तूने? जिमी, जिमी, I can explain. मेरी बात सुनो. I can explain. मार दिया उसे. जिमी, please. I saw what you think. मैंने जानू उसके. जिमी, सुनो. You. मेरी बात सुनो, जिमी. You क्या था?
यू ओके? तुम ठीक हो? आई गेट टू मीट जी चर्सी, फोन करना भूल गया तू मुझे? हाँ क्या हुआ साहब? इस आदमी को छुपा के रखा तूने? नहीं साहब ठीक से देख। हाँ याद आया, ये आदमी तो बिना बताए निकल गया और मेरे पैसे भी नहीं दिए। और वैसे जी सर, चुपचाप खड़े रह। हिम्मत किधर? साहब बताता हूँ। रजिस्टर्ड बोलर्स रखने का बहुत शौक है ना तुझे? सर तेरे अंदर भी डाल दूं? नहीं, सर, प्लीज मेरी बात सुन। मेरे पास कुछ है? नहीं सर, कुछ दिखाना है सर? प्लीज देखिए, प्लीज सर। हाँ मैं उस रात वहां था, पर मेरे अलावा वहां कोई और भी था। विक्रम कपूर, मुझे नारंग का फोन आया कि विक्रम ने सारा को, तो मैं डर के सारा के घर पहुंचा। जिमी, यू आई कैन एक्सप्लेन जिमी, मगर वहां पहुंच के देखा कि सारा तो जिंदा थी। तो फिर मैं डर गया था सर। ये सर, तुम क्या कर रही हो? स्टॉप इट सारा, पुट द गन डाउन। बात सुनो सर, सर सारा पुट द गन डाउन। ये क्या कर रही हो? Get out of my house, Jimmy. Get out! Sir, अब हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं है सारा। सारा put the gun down. I love you, baby. मैं अपनी गलती मानता हूँ सारा, it's all my fault. गलती मेरी है. सारा please. I'm a changed man, सारा मैं. Jimmy, get out of my house. सारा मैं बदल गया हूँ. Don't come close to me. डर लगता है तुमसे. क्या? मेरी बात सुनो. Okay, I'm sorry. सारा put the gun. Don't come close to me. Jimmy. Just go away. Please, sir. सारा को जिंदा देखकर मैं भी हैरान था।
कि नारंग ने मुझे वहां क्यों बुलाया, विक्रम से बदला लेने के लिए या मुझे फंसाने के लिए। मेरी बात सुनो प्लीज, आई लव यू, आई ऑलवेज हैव एंड आई ऑलवेज विल। सारा प्लीज, सारा पुट द गन डाउन, सारा प्लीज। जिमी, सारा, जिमी को एक मौका दो सारा, क्योंकि जिंदगी और रास्ते एक जैसे होते हैं, दोनों किस मोड़ से बदल जाए पता नहीं चलता, अपना ख्याल रखना। विक्रम का एक्सीडेंट हो गया ये बताने में सारा के घर पहुंचा, और फिर अचानक मैंने गोली की आवाज सुनी। मैं अंदर भागा तो मैंने देखा कि मुझे लगा कि सारा ने अपने आप को गोली मार दी थी। वो ऐसा क्यों करती सर? किसी ने मेरी सारा को मार दिया था। मैं उसकी बॉडी के पास गया सर, मैं बहुत डरा हुआ था। सारा उठो, सारा। फिर उसका वॉचमैन आया, उसने मुझे देख लिया, मैं डर के वहां से भाग गया सर। भागते हुए मैंने बंगले के सामने का सीसीटीवी कैमरा देखा। मैं जानता था कि आप लोग मुझे पर शक करेंगे, इसीलिए मैंने उस कैमरा का फुटेज चुरा लिया, और उस फुटेज में मैंने उस आदमी की शक्ल देखी जिसने मेरी सारा को मारा। देखो उसको। जी सर। से कैसे निकले? कौन है वो? तुम्हें मारने क्यों आया? पता नहीं। मैं देखती हूँ कुछ। दरवाजा। Radhika!
विक्रम ठीक हो? जिमी ने मुझे सारा के घर का सीसीटीवी फुटेज दिखाया, वहां उसने नारंग को देखा। और उसके पीछे वो जगह दिखाई दिया जो इस सारे खेल को रच रहा था। विक्रम, विक्रम, मम्मी पापा के पास आ जाओ। तुम्हें फोटो नहीं निकलवानी? मम्मी, मुझे चाचू के साथ फोटो खींचनी है। विक्रम, जाओ। प्रताप, तुम भी आ जाओ। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अभी तुम्हारे भाई को गए हुए कुछ? नंदनी, तुम तो अभी भी यंग हो, विक्रम की भी तो सोचो। प्रताप, लीव, जस्ट लीव। चाचू, आज विक्रम चाचू के साथ सोएगा। जिमी और तुम्हारी लड़ाई के बारे में पता चल गया था, और जब उसके प्लान किए हुए एक्सीडेंट से तुम बच गए। एक्सीडेंट दिखना चाहिए। जी। सर, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन विक्रम बच गया। उसको हॉस्पिटल लेकर गए। उसने फिर से तुम्हें मारने का प्लान बनाया। बाईपास रोड की वो गली उस रात सिर्फ जिमी और तुम्हारी मंजिल नहीं थी। रोमिला के प्यार में पागल वो नारंग भी उस रात तुम्हारा पीछा करते करते वहां पहुंच गया, और उसने वहां प्रताप को सारा का मर्डर करते हुए देख लिया। लेकिन ये बात प्रताप नहीं जानता था। ये वीडियो तुम्हारे पास कब से है? सही जगह पर मगर गलत समय पे। नारंग तुम्हें रोमिला के दिए हुए पैसे और उस वीडियो की एक कॉपी देने पहुंचा, क्योंकि वो रोमिला की नियत समझ गया था, लेकिन किस्मत ने उसे तुम्हें यहाँ बचाने के लिए भेजा था। नीचे पड़ी उसकी लाश से ये सारी चीजें बरामद हो गई हैं। तुम्हारा एक्सीडेंट होना, सारा का मरना, जिमी का गायब होना, ये सब एक इत्तेफाक नहीं था, प्रताप का प्लान था। इंटेलिजेंट ऑफिसर्स की जरूरत है। यहां अलीबाग में क्यों सड़ रहे हो? प्रताप, डोंट यू ब्लडी मूव। सारा को मुझे फोन नहीं करना चाहिए था। हाँ सारा,
विक्रम की गन मेरे पास है। विक्रम कॉल उठा नहीं रहा था तो आपको फोन किया। अगर मेरे पास रही तो चल जाएगी। ले जाइए इसे प्लीज। थैंक्स। विक्रम का एक्सीडेंट हो गया है। प्रताप का फोन आया था। What? Yes. विक्रम का एक्सीडेंट? उन्होंने कहा है तुम्हें आके पिकअप करूं। I'm coming. लेकिन फूलिश विक्रम, जिन पैसों के लिए तुम्हारी मां को मारना पड़ा था उन्हीं पैसों के लिए आज तक तुम्हारे सामने हाथ फैलाना पड़ता है। अजीब लगता है भीख मांगना तुमसे, अपने बेटे से। सौतेला है तो क्या हुआ, मैं भी बाप हूं, क्या करूं। मेरी अपनी फैमिली है, उनकी नीड्स है, उनकी जरूरत है, उनकी डिमांड्स है, उनकी एक्सपेक्टेशंस है। आई नीड टू कीप देम हैप्पी एंड माई सेल्फ टू। पर तुम स्टबन हो, स्टबन खून है तेरा, बिल्कुल तेरी मां की तरह। रॉय सर, आपने सही कहा था, इस बंदूक की आखिरी गोली पर किसी का नाम लिखा है। विक्रम, रोमिला को यकीन था कि प्रताप तुम्हें मार देगा। विक्रम, ये क्या बोल रहे हैं आप? प्रताप, विक्रम, डोंट बिलीव हिम। वो इस वीडियो को सबूत के तौर पर दिखाकर
प्रताप को अरेस्ट करवा देगी। विक्रम, प्रताप इज माय हस्बैंड। विक्रम, विक्रम, दिस इज नॉट ट्रू। कुछ भी कह रहे हो आप, विक्रम, विक्रम, यू हैव टू लिसन टू, क्योंकि तुम्हारे बाद नंदिनी इस पूरी जायदाद की इकलौती वारिस होगी। ऐसा नहीं है, दिस इज, एंड देयर वाज नथिंग टू लूज। एक तीर से, विक्रम, विक्रम, तुम मुझे जानते हो विक्रम, रॉय साहब मेरी बात तो सुनिए आप। शट अप। सबूत को छुपाना भी बहुत बड़ा जुर्म है, ले जाओ इसे। छोड़ो, छोड़ो। विक्रम, नंदिनी के बारे में सोचो। शी नीड्स अ मदर। विक्रम, आई एम बीइंग फ्रेम, मैंने कुछ नहीं किया। विक्रम, दिस इज नॉट मी। चल, आई एम नॉट हियर, आई कैन एक्सप्लेन। छोड़ो, विक्रम, विक्रम, लिसन टू मी, प्लीज। सर, इस मर्डर वेपन की रिपोर्ट पर आपके सिग्नेचर चाहिए। ये मर्डर नहीं पांडे, सेल्फ डिफेंस का केस है। अपना ख्याल रखना विक्रम, और नंदिनी का भी। क्या पता था कि जिंदगी एक दिन वही देगी मुझे जो मैंने उससे कभी मांगा ही नहीं था। जिनके दुश्मन नहीं होते उनके अपने ही दुश्मन होते हैं। नहीं सर, नंदिनी मैडम के समय आपने मेरा मुंह पैसों से बंद कर दिया था, लेकिन अब नहीं। मुझे सब पता है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है। मेरे एक्सीडेंट के पीछे प्रताप का हाथ था, और इस बात का पता पहली बार मुझे हॉस्पिटल में चला। खेल शुरू करने के लिए मेरा हॉस्पिटल से निकलना बेहद जरूरी था। मेरे होश आने पर जब मुझे सारा की मौत की खबर मिली तो मैं बेचैन हो गया। मुझे हॉस्पिटल में जिमी का फोन आया। सारा की मौत का सच उसने मेरे सामने रख दिया। क्या तुम मुझे उस वीडियो की एक कॉपी भेज सकते हो? धोखा ही नहीं, बदला भी पूरा होता है। There's good news, Vikram. Your reports are perfectly fine. बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाओगे तुम। मैं एक खुशखबरी प्रताप को देता हूँ। नहीं डॉक्टर, इससे पहले कि प्रताप को मालूम पड़ता कि मैं ठीक हो गया हूँ, मेरे रिपोर्ट्स कह रहे कि अब मैं चल नहीं सकता। क्या? मैंने डॉक्टर को अपने प्लान में शामिल कर लिया और हॉस्पिटल से घर पहुंच गया। हेलो प्रताप। सबकी नजर में अब सिर्फ एक अपाहिज था मैं, पर किसी को क्या पता कि इस बार विक्रम पांव से नहीं दिमाग से चल रहा था। तुम्हारा दोस्त था। इससे पहले कि शक जिमी से मुझ पे आए, रॉय को यकीन दिलाना जरूरी था कि मैं अब चल नहीं सकता, और मेरे ही खेल में वो मुझसे आगे था। You're prone to accidents, Mr. Vikram Kapoor. इस कहानी में एक किरदार ऐसा भी है जिसे सब जानते थे, पर वो सब जानता था। हेलो जिमी, प्रताप ने अपनी गन स्टोलन रिपोर्ट की है,
उगन तेरे घर में तुझे पुलिस से पहले ढूंढनी होगी। हेलो विक्रम, मुझे वो गन मिल गई है। मेरी अगली चाल को कामयाब करने के लिए जिमी पे शक आना जरूरी था। शतरंज के इस खेल में जीत मेरी तय थी, क्योंकि इस बार दोनों तरफ मैं ही बैठा था। प्रताप को बताने का समय आ गया। डॉक्टर, यूएस से विक्रम की रिपोर्ट्स आ गई। ये जान के कि मैं ठीक हो जाऊंगा, वो फिर से मुझे मारने का प्लान बनाएगा। चांसेस आर कि वो 100% ठीक हो जाए। विक्रम, सारे मशीन्स को पावर पे बैकअप करके रखो। तुम्हारे मेरे बीच जो डिफरेंसेस हैं, उससे मैं नहीं चाहती किसी को चोट पहुंचे। रोमिला मेरे प्लान को कभी समझ ही नहीं पाई कि ये प्लान उसका कभी था ही नहीं। जिमी, प्रताप को आज मौका मिला है। मैं रॉय को सही समय पे फोन कर लूंगा, तुम उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखा देना। प्रताप का चेहरा देखते ही वो यहां भागा चलाएगा। मुझे वो गन आज किसी भी हालत में चाहिए। आज की रात खेल खत्म। जिसने अपना ही मर्डर प्लान किया हो, वो मरता नहीं, मारता है। प्रताप ने मेरी मां को मारा, उसकी गन मेरे हाथों में मजबूरी से नहीं, मेरी मर्जी से आई। और इंस्पेक्टर रॉय, अजीत चर्सी ने जिमी प्रकैजा को छुपा के रखा है। मेरे रचाए चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए मुझे प्रताप को उसी की गन से शूट भी करना था, और रॉय को यकीन भी दिलाना था। There is a case of self-defense. ये मर्डर नहीं पांडे, सेल्फ डिफेंस का केस है।